मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. डियर स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड. इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर. डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का तात्पर्य है इस मैजिक स्क्वायर में प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक डायगोनल को हमें सम कर देखना है कि क्या सभी के सम एक बराबर आते हैं. सम मीन्स योगफल. सम मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? योगफल. आगे लिखना है चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर और आपको यह चेक कर बताना है क्या सभी रो को प्लस करने पर सभी कॉलम को प्लस करने पर और सभी डायगोनल्स को प्लस करने पर सेम नंबर आते हैं. अगर आते हैं तो यह मैजिक स्क्वायर होगा नहीं तो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा. आते हैं रो नंबर 5 में. डियर स्टूडेंट रो इस प्रकार होगा तो यहाँ पे 5 है 5 प्लस माइनस 1 और यहाँ पे भी माइनस 4. हमें इन तीनों को प्लस करना है. जानते हैं माइनस और माइनस को एक में प्लस कर देते हैं तो माइनस 5 और प्लस 5 मिलकर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0. नीचे देते हैं रो नंबर 2 में माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू. डियर स्टूडेंट माइनस माइनस को एक में प्लस करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा और माइनस 7 और प्लस 7 मिलकर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0. इसी प्रकार हम इसको प्लस करेंगे 0 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए 0 में जब हम किसी नंबर को प्लस करते हैं तो वही नंबर चला आता है. यानी यहाँ प्लस 3 और माइनस 3 जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0. तो हमारा जो रो है सभी रो के जो नंबर आए हैं वह तो सेम आए हैं. अब हम चेक करेंगे कॉलम. कॉलम तो देखिए यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे मान लीजिए पहले इसको मानिए या पहले इसको मानिए या पहले इसको मानिए. हम लोग पहले इसे लेते हैं 5 प्लस माइनस 5 और नीचे क्या मिला 0. जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन एक प्लस एक माइनस हमारा आंसर क्या आएगा? 0. इसी प्रकार कॉलम 2 में आएंगे माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3. देखिएगा ये दोनों माइनस है माइनस माइनस एक में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 3 मिलकर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0. इस प्रकार इस वाले कॉलम में आएंगे माइनस 4 प्लस 7 माइनस 3. देखिए ये नंबर माइनस है और ये नंबर माइनस है. इन दोनों को एक में प्लस करेंगे तो माइनस 7 और प्लस 7 मिलकर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0. तो हम क्या देखें डियर स्टूडेंट सभी रो के जो नंबर आए हैं वह 0 आया है और सभी कॉलम का नंबर भी क्या आया है? 0 आया है ऐड करने पे. अब हम डायगोनल कैसे होता है? ऐसे देखिएगा डायगोनल कैसे होता है. तो जब हम डायगोनल 1 को प्लस करते हैं तो 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. ध्यान से देखिएगा यह प्लस है नेगेटिव साइन वाले नंबर है तो माइनस 3 और माइनस 2 को जब प्लस करेंगे तो माइनस 5 और प्लस 5 मिलकर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 और माइनस 2 मिलेंगे तो माइनस 5 और प्लस 5 मिलकर क्या हो जाएगा? 0. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड डायगोनल 2 पे. यहाँ देखिए डायगोनल माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 0 को हमें ऐड करना है तो माइनस माइनस को हम प्लस करेंगे तो -6 और 0 जब प्लस करेंगे तो -6. हम देख पा रहे हैं सभी रो को जब हम सम किए तो 0 आया है कॉलम को प्लस किए तो 0 आया है लेकिन डायगोनल दोनों डायगोनल 0 नहीं आया है. इसलिए
not, so it is not. It is not a magic star, yeah, it is not a magic star. इसी प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 7 में सेकेंड को आप कर देख लेंगे, अगर सभी को सॉल्व करने पर यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा सेम आ जाएगा तो वह मैजिक स्क्वायर होगा, अगर सेम नहीं आया तो वह मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। मैं फर्स्ट को बता चुका हूँ, सेकेंड को आपको करना है और आप कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है कि इतना बराबर इतना होता है। फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए के नीचे जो है ए और बी के वैल्यू को दिया गया है, इस वैल्यू को इसमें रखकर हमें चेक करना है कि हमारा जो है जो दोनों साइड के वैल्यू होते हैं बराबर आते हैं, यही हमें चेक करना है। तो देखिए एलएचएस, डियर स्टूडेंट एलएचएस में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में है ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट हो जाए, हमें ए की जगह पे क्या रखना है डियर स्टूडेंट 21, बी की जगह पे क्या रखना है, बी की जगह पे एक ही रखना है, साइन जैसा है वैसा ही रख देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट प्लस, अब यहाँ पे 18 हो गया, हम दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का हमारा वैल्यू आया है 39, राइट हैंड साइड को देखेंगे, राइट हैंड साइड का वैल्यू है ए प्लस बी, ए की जगह पे हमें रखना है 21, बी की जगह पे रखना है 18, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 49। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट, आरएचएस का वैल्यू और एलएचएस का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उसे आप अपने घर से कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, ए के वैल्यू को ए के जगह पे रखेंगे, बी के वैल्यू को बी के जगह पे रख लेंगे, एलएचएस ए होगा आरएचएस ए होगा, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो नीचे लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। डियर स्टूडेंट हमें इन सिंबलों का यूज करके हमें यह बताना है कौन सा कथन, इस कथन को हमें सबसे बनाना है, कौन सा कथन ग्रेटर है, कौन सा कथन लेस है और कौन सा इक्वल है, ये हमें बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। बेटा सबसे पहले आप इस तरफ के साइड पर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जब दोनों नंबर माइनस हो जाते हैं तो माइनस माइनस को हम ऐड कर देते हैं, साइन माइनस आता है, इस साइड कितना आया माइनस 12। इसी प्रकार हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और आगे जब हम यहाँ पे जब एक नंबर प्लस हो गया और एक नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, निगेटिव हो गया, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, तो हमेशा नंबर हमेशा माइनस होता है, तो फोर आ गया, लेकिन साइन किसके आएगा, क्योंकि साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के साथ बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का होगा। तो अब आप बता सकते हैं
कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो डियर स्टूडेंट कौन सा नंबर ग्रेटर है ये बताइए। ए बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा, आप जानते हैं जो माइनस वाला नंबर जो कम होता है वही ज्यादा होता है, तो माइनस में ये कम है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ए ज्यादा है मतलब क्या होगा, सेम क्वेश्चन को मेरे पास रिपीट कर देते हैं, लिखिए उतार देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस साइड का नंबर बड़ा है इसलिए इस साइड का नंबर बड़ा होता है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 को आप अपने से कर लेंगे और इसके बाद जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।